हेलो एंड वेलकम टू माय गिटार मेथड्स। माय नेम इज अक्षय और आज हम सीखने वाले हैं होना था प्यार फ्रॉम द मूवी पोल। इस गाने को कंपोज किया है और खुद गाया है आतिफ असलम ने, और इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं इमरान राजा ने। ऑफ कोर्स हमने इन्फॉर्मेशन नेट से देखी है, बट जो चीज़ हमने नेट से नहीं देखी है वो है इस गाने के कॉर्ड्स, क्योंकि हमने जो इस गाने के कॉर्ड्स आपको बताने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट है ना, और वो किसी और लेसन में नहीं बताए गए। वी कैन क्लेम दैट, ठीक है। बाकी डिफ़िकल्टी के हिसाब से गाना काफ़ी चैलेंजिंग है, तो आई होप आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे और उस गाने को अच्छे से बजा पाएंगे। तो चलिए जल्दी से सीखना शुरू करते हैं और इस गाने के कॉर्ड्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। कितनी बार शुरू करेंगे, चलिए शुरू ही करते हैं। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, हुआ मेरे यार, तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार हुआ मेरे तो सबसे पहला कॉर्ड जो इस गाने में यूज़ किया गया, दैट इज़ ई मेजर 7 कॉर्ड। अब आई एम श्योर अगर आप आतिफ असलम को लाइव प्ले करते हुए भी देखेंगे इस गाने को, तो ही इज़ प्लेइंग इट समवेयर हियर। दिस इज कॉल्ड ई मेजर 7 शेप, ठीक है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। ऑफकोर्स खुद कंपोजर बजा रहे हैं ऐसा, बट आई थिंक जो चीज़ रिकॉर्डिंग में प्ले हुई है ना, दैट साउंड्स लाइक दिस। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट थोड़ा सा टोन का फर्क है। प्लस इस कॉर्ड को, ये जो मैंने शेप लगाई है, इसको भी हम ई मेजर 7 कॉर्ड कहते हैं। इसमें से अगर मैं लिटिल फिंगर हटा लूँ तो ये E5 बन जाता है। तो जो वो पहला साउंड है ना, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो फॉर हाफ फिर ये लिटिल फिंगर उड़ जाती है फॉर ई मेजर 7, और E5 आधे आधे प्ले हो रहे हैं इस तरीके से। तो दिस इज हाउ वी प्ले ई मेजर 7 कॉर्ड। कहाँ रखेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर को? रखेंगे 4th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग। रिंग फिंगर को रखेंगे 3rd स्ट्रिंग, और सॉरी मैंने गलत बोला, आई एम सॉरी, पहले आएगा 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिंग और फिर आएगा 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, ठीक है, रिंग फिंगर। एंड देन उसके जस्ट नीचे लिटिल फिंगर ऐड करेंगे ऑन 2nd स्ट्रिंग 4th फ्रेट, ठीक है, और पहली स्ट्रिंग को ओपन बजाना है, नीचे के 4 स्ट्रिंग आपको बजाने हैं। दिस इज कॉल्ड ई मेजर 7। अगर इसमें से लिटिल फिंगर हटा लेते हैं, दिस बिकम्स E5, ओके। तो ओके, नेक्स्ट कॉर्ड की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट कॉर्ड है दैट इज ए मेजर कॉर्ड एंड ए सस्पेंडेड टू कॉर्ड। सो दिस इज हाउ वी प्ले ए मेजर एंड दिस इज हाउ वी प्ले ए सस टू, ओके। सो इस तरीके से पहले आप प्रैक्टिस करें, ये दो कॉर्ड काफी बार रिपीट हुए हैं गाने में, ओके। देन नेक्स्ट
जो कॉर्ड है जो काफ़ी बार यूज़ हुआ है, दैट इज़ सी शार्प माइनर कॉर्ड, जिसको हम बजाएंगे C#-7 कॉर्ड। ठीक है, तो कैसे करना है? नॉर्मली C#-7 कॉर्ड विद बार इस तरीके से प्ले होता है। इसमें से अगर आप लिटिल फिंगर को रिमूव कर लें, देखिए हर कॉर्ड में लिटिल फिंगर जो है इसमें दुश्मन है, तो लिटिल फिंगर को हटा रहे हैं हम हर कॉर्ड से, तो इट बिकम्स C#-7 कॉर्ड। ओके, पांच स्ट्रिंग का कॉर्ड होता है ये, एंड दिस इज हाउ वी प्ले इट। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड इज G#-minor कॉर्ड, जो नॉर्मली ऐसे प्ले होता है विद बार ऑन द सेम 4th फ्रेट और रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर हियर, लेकिन इसमें भी हम अपनी लिटिल फिंगर हटा के इसको बनाएंगे G#-7 कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज सेम शेप, दो स्टेप पीछे, इट इज कॉल्ड F#-7 कॉर्ड। ठीक है, सिर्फ दो फिंगर यूज कर रहे हैं हम, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, इंडेक्स से बार लगाया और रिंग फिंगर से 4th फ्रेट 5th स्ट्रिंग को प्रेस किया। And then the last chord is B major chord, which is played normally like this, without bar or with bar, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कितने chords हुए? Like 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6. ये 6 chords जो हैं हम इस गाने में play कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप बार कॉर्ड्स को लेके भी नए हैं तो डोंट वरी, देयर इज अ डेडिकेटेड लेसन ऑन बार कॉर्ड्स, प्लीज चेक दिस आउट, एंड लेट अस नो कि अगर आपकी अभी भी दिक्कत दूर नहीं हुई है बार कॉर्ड्स को लेके। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो अब स्ट्रमिंग की बात करते हैं। स्ट्रमिंग जो पैटर्न है वो 4/4 टाइम सिग्नेचर में है, लेकिन बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। इट साउंड्स लाइक दिस। अब ऐसा साउंड जनरेट करने के लिए आपको चक आना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपको चक नहीं आता है, लेट मी गिव यू अ बेसिक आइडिया। चक में आपको अपना जो पाम है, हथेली है, वो अपने राइट डाउन स्ट्रोक्स में, मतलब राइट डाउन स्ट्रोक क्या होता है, डाउन स्ट्रोक्स में आपको क्रैश करना होता है। लेफ्ट हैंड नहीं भी लगाएंगे तो भी यू शुड बी एबल टू गेट अ चक। ठीक है, अब पैटर्न की अगर बात करें तो इट्स अ 1+4 काइंड ऑफ पैटर्न, कि पहले एक चक आएगा एंड देन वी हैव, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, अप चक अप डाउन, 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 सो डाउन अप चक अप डाउन, डाउन अप चक अप डाउन, इंक्रीज द स्पीड, डाउन अप चक अप डाउन, डाउन अप चक अप डाउन, डाउन अप चक अप डाउन। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ बहुत ही पंपिंग सा और पैपी सा फील आता है। सो दिस इज हाउ वी प्ले इट। अब जो शुरू वाला पार्ट है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये है कि आपको जैसे चक अप डाउन, सॉरी चक अप डाउन, तो ये जो लास्ट सेकंड लास्ट जो अप होता है ना, उसमें आई लीव माय लिटिल फिंगर, सो चक अप चक अप डाउन। ओके, लास्ट के जो अप और डाउन है उनमें मैं ये लिटिल फिंगर छोड़ देता हूँ कॉर्ड में से, सो ई मेजर 7 से ये ई 5 कॉर्ड बन जाता है, और ऐसा ही सेम चीज मैं रिपीट करता हूँ ए मेजर और ए सस 2 में, तो साथ में इस तरीके से प्ले होगा, चक अप डाउन, चक अप डाउन, देन चक अप डाउन, सो बैक टू बैक। सो दिस इज हाउ वी प्ले दिस स्ट्रमिंग। हो सकता है आपके लिए थोड़ी ट्रिकी हो, प्लीज पॉज कीजिए, रिपीट पे देखिए बार बार में, मेरे साथ बजाने की कोशिश कीजिए। आई एम रियली होपफुल दैट यू विल बी एबल टू डू इट। आई स्टिल रिमेंबर द डे जब ये सॉन्ग आया था, एंड रिसेंटली आई वॉन्टेड टू प्ले दैट दिस सॉन्ग, एंड मेरे को बिल्कुल ये स्ट्रमिंग समझ में नहीं आ रही थी। आई होप मैंने आपकी हेल्प की कर पाया हूँ मैं थोड़ी बहुत इस स्ट्रमिंग को समझने में। अगर ऐसा नहीं है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, तो हम मिलते हैं इंस्टाग्राम पे लाइव आपको सिखाएंगे, तो फिर हो सकता है आपकी ये दिक्कत दूर हो जाए। बाकी जो नीचे आपको लिखना है, दैट इज #MGM # हो गया प्यार। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो आई रियली होप आपको आज का ये लेसन समझ में आया हो,
अगर कोई भी दिक्कत हो तो आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, वॉच मी एंड फॉलो मी देयर, ठीक है? वहाँ पे और एक्स्ट्रा टिप्स और ट्रिक्स मिलती हैं आपको सीखने के लिए. फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट में करके बताओ, यू विल रियली ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक. तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.